तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ वो अम्मी को लेने आया था मैं। हाँ तो चली गई है घर। तुम घर कब आ रही हो? प्लीज जाओ यहाँ से। तुम ये बातें करते कोई भी सुनेगा, खास तौर पे चच्ची जान, कयामत आ जाएगी। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं बात करूंगा सबसे। नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, तुम्हारे एक साथ के लिए मैं अपने प्यारे रिश्तों को नहीं खो सकती। प्लीज जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो खाला जान को लेने आया था। अच्छा। हाँ मैं अम्मी को लेने आया। मेरा हालचाल पूछने आ गया। मैंने तो कहा कि तुम्हारी तो शादी सानिया से होने वाली है, तुम्हें उसका हालचाल पूछना चाहिए, उसका ख्याल होना चाहिए। मेरा हालचाल पूछने आ गया। नहीं सानिया, एक्चुअली मैं और बीना हम। तुम्हें कसम है, तुमने ना मेरी बहन को हमेशा खुश रखना है, ओके? प्रभादा ना, सानी जाओ उसको पूछो कुछ खाने पीने का। चलो ऐसा। नहीं मुझे लेट हो रहा है। मैं कपड़े धो। क्या हो रहा है खुद समझ नहीं आ रहा। नीना का अजलान के साथ सर्द रवैया, अजलान का मेरे साथ खामखा का गुस्सा, झुंझलाहट, पीछा छुड़वाना, अम्मी और खाला की नीना के लिए नफरत, उसकी शादी कितनी जल्दी, ये क्या हो रहा है अंदर ही अंदर? ना कुछ बता रही और ना ही असला। पूछूं तो किससे पूछूं? सानिया क्या सोच रही? उस मामले को सुलझाने का सोच रही, जो दिन ब दिन बस उलझता ही जा रहा है। क्या उलझता जा रहा है? तुम्हारा और अजलान का पुरेसरार रिश्ता? सानिया बीना, कुछ तो है, कुछ तो है जो तुम दोनों मुझसे छुपाए चले जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग से फितूर है और मुझ पर बेएतमादी, वरना ऐसा क्या होगा मेरे और अजलान के पास जो हम तुमसे छुपाएंगे? तो फिर ऐसा क्यों है कि वो जब यहाँ आता है सिर्फ तुमसे मिलकर चला जाता है? चेहरे पर उसके गुस्सा होता है और लहजे में उलझन। इसे तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। मेरा दिल नहीं मान रहा बिना कि तुम अपने दिमाग को ही सिखा रहे। मत करो ऐसा अपनी सानिया, सच कह रही हूँ। अगर कुछ भी होता ना तो तुम्हें जरूर बताती। अजान सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। प्लीज प्लीज साजिदा खाला से माफी मांगो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात की माफी मांगू मैं? तुमने गलत किया है। क्या किया है मैंने? तुमने बहुत झूठ लहजे में बात की, तुम्हें अंदाजा भी है। और मत भूलो कि वो सिर्फ तुम्हारी खाला नहीं है, तुम्हारी होने वाली सास भी है। लेकिन बीना, प्लीज बचपन से भरोसा किया है ना मुझ पे, अब भी कर लो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे। Thank you.
इससे पहले कि सानिया को मेरे और अजलान के बारे में पता चले या घर का माहौल मेरी वजह से बिल्कुल तबाह होकर रह जाए, मुझे चची जान को मनाना होगा। जैसा वो कहती हैं वैसा ही करना होगा। चाय दफा हो जाओ, नहीं भी नहीं मुझे तुम्हारी चाय। हम मुझसे नाराज क्यों हैं? इन सब कुछ उसमें मेरा क्या कसूर था? कसूर? कसूर तो सारा तुम्हारा ही था, लेकिन तुम्हें गोरा आता है मुकर जाने। बेटी को मैंने खराब कर रही हो, जैसे मैं कोई बहुत जालिम औरत हूं और तुम मजलूम पे बहुत जुल्म ढा रही। ये और तो और उस साजदा की बेइज्जती करवा दी मेरे हाथों। मैं उनसे भी माफी मांगूंगी, पहले आप मुझे बस माफ कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी माफियों की। तुम एक मेहरबानी करो, हम समझ आई? ये देखो, हमें माफ कर दो, हमारी जान छोड़ दो, दफा हो जाओ यहाँ से, समझ आई? चीजा, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। सच्ची अगर होता तो मैं कब की आपकी जान छोड़ चुकी होती। लेकिन यही तो मुसीबत है, यही तो बदबख्ती है हमारी। तुम्हारा कोई मामू नहीं, अरे कोई खाला ही होती, हमारे गले ना पड़ी होती तुम। आप जिससे भी कहेंगे शादी कर लेंगे, बस नाराज जाओ, जिससे भी कहेंगे मैं शादी करने के लिए। जहर लगती है मुझे तुम्हारी है। रोने धोने वाली आवाज, चक्की नहीं पिसवारी मैं तुमसे। तस्वीर बहा बहा के ना आप सबकी हमदर्दियां वसूल करना छोड़ दो तुम। नहीं नहीं रोऊंगी मैं सब। चलो दफा हो जा मेरी नजरों से, दफा हो जा, मैं तुम्हें छक नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारी खामखा मेरा हाथ, दफा हो जाओ और सुनो, इधर आओ। अगर तुम अपने चचा की हमदर्दियां वसूल करने की कोशिश की ना, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मुझे तुम उनके आसपास नजर ना आओ। नहीं आऊंगी। मुझे तुमसे ड्रामे बाज होशियारियां करती है मेरे साथ। अरे भाई, वो मैं आज ताखीर नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर काम आ गया, मैं निकल नहीं पाया। आपका तो मसला ही कोई नहीं है, आप मसरूफ रहें, सुबह ऑफिस जाएं, रात को घर आएं, सो जाएं, सारा दुख झेलने के लिए तो मैं रह गई हूँ ना। देखो जो भी बात है ना, वो सीधी सीधी कह दो, इस वक्त पहेलियां ना पूछवाओ। शहरयार, मेरा दिमाग बहुत घूम चुका है, उलझ के रह गई हूँ मैं। उलझ कर तो मैं भी रह गया हूँ, समझ नहीं आ रही मुझे, आखिर हमने बच्ची की तरबियत में कोई कमी तो नहीं छोड़ी थी? बस कर दें आप, रिश्ते वालों से मिलने के लिए वक्त पर तो पहुंचते हैं नहीं, अब आप बड़ी फिक्र दिखा रहे हैं। मैं तुम्हें कहा है ना कि काम में उलझ कर रह गया था। जी हाँ, आप काम में उलझ गए थे और आपकी बेटी हमारे गले में। शहरयार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे होगी बीना की शादी? हो जाएगी उसकी शादी, इतनी बुरी भी नहीं है वो। तो अभी तक साजिदा की बात हजम नहीं कर पाया, उसको मैं झुटला भी नहीं सकता क्योंकि आज से पहले उसने कभी ऐसी बात ही नहीं की। चलो, आपको साजिदा पे इतना तो यकीन आया। खैर, आप हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक।
ये ले पापा, ये ले। थैंक यू। बेटा बीना ने आज खाना नहीं खाना? पता नहीं, गेस्ट रूम में सो रही है वो, शायद तबीयत ठीक नहीं है उसकी। गेस्ट रूम में? उसकी तबीयत को क्या हुआ? मैंने जगा कर पूछना मुनासिब नहीं समझा तो दरवाजे से झांक कर देख लिया था, सो रही थी। सारी बच्ची वो सारा दिन घर का काम जो करती रहती है, थक जाती है। बेटा तुम उसका हाथ पटा दिया करो ना। कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन बीना हमें कुछ करने नहीं देती। मेरे और मामा के किसी काम को हाथ लगाने से पहले बीना कर चुकी होती है। इस घर में बीना के अलावा कोई और बात हो सकती है? सानिया तो नहीं जानती, आप तो जानते हैं ना। क्या? अगर वो इस घर के थोड़े बहुत काम कर लेती है ना तो मर नहीं जाती। हमने भी सारी जिंदगी उसके लिए बहुत कुछ किया है। आरफा, हमने उसके लिए जो कुछ भी किया है वो अल्लाह की रजा के लिए किया है, और आइंदा जो कुछ भी करेंगे वो भी अल्लाह की रजा के लिए ही करेंगे। पापा, आज से पहले मैंने आपके मुंह से कभी ऐसी बात नहीं सुनी है। आप तो बीना को हमेशा अपनी सगी बेटी समझते थे, आज ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसलिए कि आज इन्हें एहसास हो गया है कि सगी औलाद सगी औलाद होती है। अब क्या कर दिया उस बीना ने? मेरा और तुम्हारे अब्बू का कहना नहीं माना। आप लोगों ने क्या कहा उसे? बेटा वो जहां उसकी शादी करना चाहते थे वो इनकार कर रही है उससे। अच्छा, तो ईगो हर्ट हो गई आपकी, हाँ? और आपने मामा को इतनी ढील दे रखी है कि आपकी नाराजगी की आड़ में अपनी नफरत जाहिर करती नहीं थक रही। तुम अपनी चोंच बंद रखोगी, ऐसा ना हो कि तुम्हें मुझसे ज्यादा नफरत हो जाए उस मनहूस से। अगर आपको लगता है मुझे बीना से कभी नफरत होगी तो गलत लगता है आपको। बीना जान है मेरी, ये तो आपके एहतराम में उसके खिलाफ दो तीन बातें सुन लेती हूँ। अगर कोई और हो ना तो एक लफ्ज ना बर्दाश्त करूं मैं। खाए खाना आप लोग, मूड ही खराब करती है। अरे बेटा, सानिया, आशा पता नहीं क्यों मेरा दिल जो है ना वो अजीब वसवसों में उलझ गया। एक तरफ बीना की मासूमियत को मैं जुटला नहीं पा रहा और दूसरी तरफ साजिदा की बात जो है उसको भी नहीं जुटला पा रहा। समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरा सर फाड़ दे, इस घर में अब यही होना बाकी रह गया सिर्फ। नहीं, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? अजीब हाल है। अरे चाचा जान, आप? बेटा वो सानिया बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। तो ना आप उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन ना किया कीजिए, वो इतनी सी बात को इतना बढ़ा के बताती है। तो फिर खाना खाने क्यों नहीं आई? भूख नहीं थी ना मुझे, अब लगेगी तो खा लूंगी। मुझे लगता है मुझे बीना से खुद पूछना चाहिए। क्या हुआ चाचा जान? बेटा मैं जानता हूं कि कोई ना कोई मसला जरूर है, लेकिन वो मसला जो है वो मुझे नहीं पता। क्या तुम मुझे बता सकती हो? सॉरी चाचा जान, मैं नहीं बता सकती कुछ भी। तो बेटा क्या इसी तरह उलझी रहोगी और मुझे भी उलझाए रखोगी?
तो सोच भी नहीं सकती चचा जान, क्या उलझा के रखूं या आपको किसी भी किस्म की परेशानी दूं। तो फिर बस आप वो कीजिए जो चची जान आपको करने को कह रही हैं। एक बात याद रखिएगा चचा जान, आपकी बेटी बिना मजबूर जरूर है लेकिन गुनहगार नहीं। बेटा अल्लाह गवाह है, मेरा ये दिल मानने को तैयार ही नहीं कि तुमसे कोई गलती हुई है या कोई नादानी हुई है। अगर बेटा ना तुम मुझे कुछ बता रही हो ना तुम्हारी कोई चची बता रही है, ऊपर से तुम मुझे ये कह रही हो कि जो भी आरफा कह रही है मैं वो ही करूं। ठीक है बेटा, मैं फिर वही करता हूं जो आरफा कह रही है। अल्लाह सब बेहतर करे। पापा, बेटा मैं जरा बीना को देखने गया था। शुक्र है कि इस खामखा की नाराजगी में कम से कम आपको तो उसका एहसास है। बेटा ख्याल तो तुम दोनों का ही हमेशा रहता है और किसी का भी नहीं, पर क्या पापा, क्या आप नहीं जानते मामा बीना से कितनी नफरत करती है? उसके बावजूद आप उनके कहने पर बीना से नाराज हो गए? पता नहीं बेटा, मैं नाराज से ज्यादा परेशान होकर रह गया। बीना को देखता हूं तो मेरा दिल पिघल सा जाता है और आरफा की बात सुनता हूं तो दिल कट जाता है। समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। आप ये करें कि बीना के लिए जो भी फैसला करना है वो आप खुद करें, क्योंकि शादी से इनकार भी उसने आपकी वजह से ही किया था। वो चाहती थी इस घर में रहे, आपका ख्याल रखे वो, और मामा ने इस बात को भी पता नहीं क्या रंग देके आपको बीना से बदगुमान कर दिया। आप जानना चाहते हैं बीना के लिए मामा की नफरत की हद? उस बेचारी की शादी एक 50 साल आदमी से करवाने वाली थी, वो तो मैंने वक्त पर आकर रोक दिया उन्हें। क्या बताऊं बेटा, मैं तो खुद उलझ कर रह गया हूं। आरफा बीना और साइदा के दरमियान क्या चल रहा है तो मैं बता नहीं सकता और कुछ समझने से मैं कासिर हूं। क्या बीना की एक छोटी सी नाफरमानी इतना बड़ा जुर्म है कि उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दे हम? बेटा मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, तुम जाओ और बीना के खाने पीने का देख लो और जिस हद तक हो सके उसका ख्याल रखा कर। अब प्लीज मामा से बात कर। आ गए अपनी बदकरदार बदचलन भतीजी को पुचकार के। अफसोस और शर्म की बात है आरफा, तुम जो मर्जी आए करती फिरो, तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन उस बच्ची से जरा सी भूल चूक हो गई तो तुम मुझे और सायदा को उसके खिलाफ करने पर तुल पड़ी। तो क्या किया है उस बच्ची ने कि तुम 50-50 साल के बुड्ढों के रिश्ते लेके आ रही हो उसके लिए? ज्यादा गुस्से में मेरे सर पे सवार ना हो, खुद ही इजाजत दी थी आपने उस दिन साजिदा के सामने। हाँ कहा था मैंने, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है तुम जिसे चाहे मर्जी यहाँ पर बुला ले।
अरे कहां से जोड़ नजर आया तुम्हें बीना का? वो बेहया लड़की इसी काबिल है। खबरदार, इसी बातों पर मैंने गौर किया है और मुझे बीना कहीं से भी कसूरवार नजर नहीं आई। जरूर तुम नहीं कोई उलट बातें जो हैं वो साजिदा के दिमाग में डाली हैं कि वो जाके तो ऐसे काम कर रही है। ठीक है ठीक है, ना माने ना करे मेरे एतबार। पता चल जाएगा आपको उस दिन जिस दिन वो मनहूस किसी के साथ भाग जाएगी। बकवास बंद करो। बाबा क्या कर रहे हैं आप? हो जाओ तुम। इस मनहूस लड़की की वजह से इस उम्र में मैं मारे खा रही हूँ। ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। इस दिन के लिए मैं जिंदा हूँ। मैं इसी दिन के लिए तो जिंदा हूँ। माँ क्या हो गया है? क्या हो गया? तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या हो गया? ये मनहूस लड़की हमारे बीच नफरतों की दीवारें खड़ी कर रही है। हमारे बीच में नफरतों के बीज बो रही है। ये कुछ नहीं कर रही, नफरतों के बीज तुम बो रही हो। अच्छा अच्छा, आपको लगता है मैं गलत हूँ, सारा कसूर मेरा है? ठीक है, निकाल दे मुझे इस घर से, चली जाती हूँ। तुम जाना चाहती हो? जाना चाहती हो ना तो जाओ यहाँ से, मैं नहीं रोकूंगा। ठीक है, अगर इस तरह करके आपको सुकून मिलता है ना, चली जाती हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है रुकने का। छोड़ो तुम लोग। क्यों इतनी जज्बाती हो रही है? आप घर छोड़ कर कहाँ जाएंगी? छोड़ो मुझे, चली जाऊंगी कहीं भी। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, चली जाऊंगी। कम से कम ये रोज की जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ेगी। मां मम मारे नहीं कर सकती मैं तुम्हारे अब्बू से। जा रही हूँ मैं। प्लीज होके तो जा रही हूँ। मम्मा 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 क्या हो गया आपको? ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ? वही कर रही हूँ जो तुम और तुम्हारी ये चहेती चाहते हो। तुम लोग चाहते हो ना कि मैं तुम लोगों की नजरों से ओझल हो जाऊँ, तो ठीक है, बस मैं जा रही हूँ। चाची जान मैं तो बस सिर्फ खबरदार सानिया, इसे कहो मेरी आंखों से दूर हो जाओ। इसी के भड़काने पे शहरयार ने मुझे हाथ उठाया, मुझे इस घर से चले जाने को कहा। इसे कहो मेरी आंखों से दूर हो जाओ। चली बीना तुम जाओ यहाँ से, मैं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ। मम्मा आप अंदर चले प्लीज। नहीं भाई, इस उम्र में मुझ में मारे खाने की हिम्मत नहीं है अब। माँ क्या हो गया आपको? आपको नजर नहीं आ रहा पापा कितने परेशान है, कितने उलझे उलझे रहते हैं वो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर चीज को प्यार मोहब्बत से हैंडल करें, लेकिन आप तो पता नहीं। तुम नहीं जानती, तुम्हारे अब्बू भी नहीं जानते, ये जो बीना है ना। मम्मा बस बंद कर दे, ये बीना बीना करना बंद कर दे। वो जो है जैसी है उसको उसके हाल पे छोड़ क्यों नहीं देती आप? और अगर उससे जान छुड़ाने के लिए उसकी कहीं शादी करवाना ही चाहती है ना, तो किसी बेहतर जगह तो करवाएं। अब चले अंदर, बहुत रात हो गई। नहीं भाई, मैंने नहीं जाना। मामा प्लीज मुझे तंग नहीं करो ना सानिया। मैं बात करती हूँ ना पापा से। आप क्या बात करती हो? सब लोग मुझे समझाते रहते हो, तुम्हें नजर नहीं आता वो क्या कर रही है? आप काम डाउन, मैं कर रही हूँ उनसे बात। चले हद होती है भाई। खड़ी रो क्यों रही हो? तेरी वजह से क्या हुआ सब कुछ? तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है बीना, सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही पापा को कहा था कि मामा से बात कर ले, पागल हो गई थी मैं। इसीलिए मना किया था मैंने। नतीजा देखो, थोड़ों के बीच मेरी वजह से इतनी बुरी लड़ाई हुई है। मतलब बीना अफसोस है मुझे, लेकिन मम्मा को ही कुछ समझदारी का मुजाहिरा कर लेना चाहिए था। उस आदमी को तुम्हारा तो कोई जोड़ ही नहीं है, और मम्मा उसे ऐसे बिठा कर बैठी थी जैसे मैं ना आती तो रिश्ता ही पक्का कर लेती। और मैं जानती हूँ किसी ना किसी तरह पापा को भी मना कर बात कर ही लेती। तो मर तो नहीं सकती, जी भी नहीं सकती थी ऐसे इंसान के साथ, से भी नहीं जी पा रही मैं। पल पल इस शर्मिंदगी से मरती जा रही हूँ कि इस घर का सुकून मैंने छीन लिया। बीना
हर चीज का जिम्मेदार खुद को ठहराना बंद कर दो तुम। सच तो यही है ना कि अभी वो लोग मेरी वजह से लड़ रहे चाची जान, वो नाश्ता तैयार आके कर लीजिए। रुको, अभी तो मेरी बेटी और मेरा शौहर साथ दे रहे हैं तुम्हारा, मगर तुम गलती से भी ये ना समझना कि तुम जीत गई और मैं हार गई। हार और जीत का फैसला उस दिन होगा जिस दिन सानिया की अजलान के साथ शादी होगी। चची जान, मैं तो खुद सानिया को अजलान का होता देखना चाहती हूँ। उसको इस जीत का तोहफा देना चाहती हूँ। आपको क्यों लगता है कि मैं सानिया की राह में रुकावट बन रही हूँ? मैं तो खुद उसे ये रास्ता दे रही हूँ। ओए होए होए होए, ये मूंग और मसूर की दाल, यानी कि तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम मेरी बेटी को तोहफा दोगी? वो लड़की जो सारी जिंदगी मेरे टुकड़ों पे पलती रही, मेरी बेटी की उतरन पहनती रही, वो मेरी बेटी को तोहफा देगी, रास्ता देगी? कमाल ही हो गया। सॉरी चची जान, भूल गई थी, आइंदा याद रखूंगी। बेहतरी इसी में है कि याद रखना ये सब कुछ। दफा हो जाओ अब यहां से। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी मगर उसे पूरा नहीं कर पा रहा। हालात को मैं संभाल नहीं पा रहा। नहीं चाचा जान, इतना प्यार आपने दिया है, मेरे अपने माँ बाप भी तो शायद इतना प्यार ना दे पाते। बेटा, अगर मैं किसी तौर पे तुम्हारा हक ना अदा कर पाऊं तो मुझे माफ कर। अब आप मुझे ना मेरी नजरों में गिरा रहे हैं, माफ तो मुझे मांगनी चाहिए। जिस दिन से इस घर में दाखिल हुई, घर का सुकून छीन लिया मैं, दिन रात लड़ाई। काश मैं आती ना तो शायद इस घर का सुकून कायम रहता। जब
तो कसम से इस घर में हर इंसान इतना कोई इमोशनल और ड्रामेटिक है ना, जहां बैठते वहीं रोने लग जाते। नाश्ता कर ले, भूख लगी है। अम्मी कहाँ? मैं बुला कर लाता हूँ। तुम तो बैठ जाओ। अब्बा कुछ तो बताएं, आखिर हुआ क्या है? साजदा क्या बताऊं, क्या क्या हो रहा है उस घर में उस मनहूस लड़की की वजह से। पता नहीं क्या तावीज घोल के पिलाती है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता उस घर में। तो आप बस जरा सख्ती से बात करें ना, सब सुनेंगे आपकी। क्या सख्ती करूं, तुम्हें पता है कल शहरयार मुझे घर से निकाल रहे थे। ये क्या कह रही है आप? और नहीं तो क्या। पापा ये बात तो हमारे हाथों से निकलती जा रही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस तरह हाथों पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते आपा। सही कह रही हो, अजलान ने कुछ कहा था उसे? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा। हाँ बस अभी तक उसी जिद पे अड़ा हुआ है। फिर क्या करें इस मसले का, आखिर कैसे हल होगा? आपा इस बात का एक हल है, इससे पहले कि मैं असलान के लिए बीना का हाथ मांगूं, क्यों ना आप शहरयार भाई से बात करें कि शहरयार भाई असलान से कहें कि वो सानिया से शादी कर ले। मुझे पूरा यकीन है असलान शहरयार भाई को इनकार नहीं करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपा ऐसा ही होगा, बस आप शहरयार भाई से कहें कि जब मैं और अजलान घर पे आए ना आपके, तो वो फौरन से सानिया की बात कर दें। अगर शहरयार भाई के सामने एक बार अजलान ने हामी भर ली ना, फिर वो पीछे नहीं हटेगा, और फिर बीना का हम कर लेंगे कोई इंतजाम बाद में। ठीक है, बात करती हूँ मैं शहरयार से। बस तुमने ना किसी भी तरह अजलान को मनाना है। इस मनहूस बीना की शादी तो हरगिज नहीं होनी चाहिए अजलान से। आप फिक्र नहीं करें, मैं करती हूं कुछ। शहरयार जी बोले। रात को अजलान और साजदा आ रहे हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि आप अजलान से सानिया के रिश्ते की बात करें खुद। अरे दिमाग तो ठीक है, क्या कह रही हो तुम? जो कह रही हूं ना सोच समझ के कह रही। आप मेरी बात मान लें, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं बीना से अपनी नफरत खत्म कर दूं, उसका ख्याल रखना शुरू कर दूं, तो फिर आपको अजलान से बात करनी होगी। अजीब शर्त है तुम्हारी। सानिया के रिश्ते का बीना से नफरत का क्या ताल्लुक है? देखिए मैं अभी तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती, जो कह रही हूं वो कर लें। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर सानिया की अजलान से शादी हो गई ना, फिर मैं आपको किसी ही किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही, अजीब बातें कर रही हो। तो समझने की जरूरत क्या है, जो बात मैं कह रही हूँ बस वो मान ले, यकीन कर ले इस बात का कि जब दोनों की शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। कसम से बिल्कुल सही कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, अब बीना का बहुत ख्याल रखूंगी मैं।
हद है वैसे। ये कपड़े धोने में, घर के सारे काम करने में, खाना पकाने में तो तुम्हारा हाथ बड़ा तेज चलता है, तैयार होने में नहीं चलता। वो मिनट तो रुक जाओ, बाल तो बना लो। सही बात बताओ, चची जान से ज्यादा तो ले ली ना। ये क्या हो रहा है, इसे क्यों तैयार कर रही हो, इसे साथ ले जा रही हो क्या? जी ये साथ जाएगी। कोई जरूरत नहीं, रात को असलान और साजिदा आ रहे हैं, डिनर की तैयारी करनी है भाई। तो डिनर पे आ रहे हैं ना वो लोग, डिनर में भी बहुत वक्त है। फिर भी बहुत तैयारी होती है, बहुत काम होते हैं। तुम जाओ, मैं घर पे काम करती हूं। चुप करो तुम। बस बस, मुझ पे ज्यादा एहसान करने की जरूरत नहीं है, मासूम बन जाती है फौरन। यार हो तो चुकी हो ना, बाद में लोग मुझे ही कहेंगे कि जालिम है, जुल्म करके रखा हुआ है। चली जाओ, ये लो बेटा, अपने लिए अच्छी सी शॉपिंग कर लेना, ताकि रात को हीरे की तरह चमकूं। जाहिर सी बात, हीरा हूं तो चमकूंगी भी ना हीरे की तरह। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। आमीन। क्या हुआ है, जल्दी तैयार हो तो। तुम जो, मैं नहीं जा रही चाचा। बात हो गई है ना अम्मी से। सानिया, मैं जाके बुक ले लूं? जरूरी है क्या? जाओ बुक शॉप से होकर आ जाओ, मैं यहाँ कपड़े देख लेती हूँ, टाइम बच जाए। गुड, वैसे भी टांगे बहुत थके हैं तुम्हारी वजह से। और करो घर के काम, प्लीज शुरू मत हो जाना यहाँ पर। ठीक, बुरी है, बहुत बुरी है। तुम जाओ, मैं वहाँ से आती हूँ। ओके। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? शुक्र है आप आ गए, वरना इस बार भी आपकी फेवरेट बुक का स्टॉक खत्म हो जाता। हाँ बस कुछ ट्रेवल पे। तो अच्छा आप रुके, मैं आपकी बुक लेके आता हूँ। ओहो, लगता स्टॉक फिर खत्म। सॉरी निहाल भाई, स्टॉक फिर खत्म हो। That's not fair यार। It's been 3 weeks, मैंने आपको पहले से कहा हुआ था कि जब भी लिमिटेड एडिशन आए आप ये वाली बुक मेरे लिए रख लीजिएगा। सॉरी निहाल भाई, ये लास्ट बुक थी जो इन मैडम के हाथ में।